झारखंड में बढ़ रहा है कोरोना का लहर, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड में भी कोरोना अपने पांव पसार रहा है। अब तक झारखंड राज्य में संक्रमितों की संख्या लगभग 99 पहुंच गई है। राजधानी रांची में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और राज्यवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। इधर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची से 9, रामगढ़ में 1, देवघर में 4, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 3, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 2, खूंटी में 1, कोडरमा में 1, लोहरदगा में 4 और लातेहार में 1 नया मामला सामने आया है। इधर बताते चले कि रांची में सबसे ज़्यादा 38 एक्टिव केस है, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 15, देवघर में 13 और लोहरदगा में 12 कोरोना संक्रमित मरीज है। इधर झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के विभिन्न जिलों के डीसी और सिविल सर्जन के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिलों में कोरोना वायरस के जांच की संख्या में तेजी लाने का निर्देश दिया था। साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले और न बढ़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य भर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को ट्रेस किया जा सके। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे, तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।